नमस्कार, एससीएन न्यूज में स्वागत है। मैं हूं नीतीश पाठक। नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली सरकार ने नर्सरी, केजी और क्लास एक में दाखिले के लिए बच्चों की उम्र में 30 दिन तक की छूट दी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,993 नए मामले आए, 101 की हुई मौत। म्यांमार में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.3 रही तीव्रता। पेट्रोल और डीजल की कीमत में फिर हुई बढ़ोतरी, दिल्ली में 90.58 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल। प्रयागराज में संघ प्रमुख मोहन भागवत आज माघ मेले में गंगा समग्र अभियान की बैठक में होंगे शामिल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज मुजफ्फरनगर के बघरा में किसान महापंचायत को करेगी संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 25 फरवरी को जाएंगे बंगाल, बैरकपुर में रैली को करेंगे संबोधित। मुंबई में लगातार 12वें दिन बढ़ी तेल की कीमत, पेट्रोल 37 पैसे और डीजल 39 पैसे हुआ महंगा। आईपीएल के 14वें सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हो चुकी है, 57 खिलाड़ियों पर 145 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए। ओवरऑल आईपीएल की बात करें तो 789 खिलाड़ियों को सैलरी से लगभग 6100 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। फिर डरा रहे कोरोना के आंकड़े, देश में 27 दिन बाद आए करीब 14,000 नए मामले। यूपी विधानसभा में कृषि कानून पर सीएम योगी बोले, दिक्कत किसानों को नहीं बिचौलियों को है। तेल की बढ़ती कीमत पर सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट, यह मोदी सरकार की गलत नीतियों का नतीजा। मथुरा के भीषण सड़क दुर्घटना में 4 की मौत, 3 गंभीर, सीएम योगी ने हर संभव सहायता के लिए निर्देश। नेपाल ने दी चीनी कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी। म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन, संयुक्त राष्ट्र ने जताई हिंसा की आशंका। चीन में बच्चे कम पैदा होने से अर्थव्यवस्था पर मंडराए खतरा, अब बदलेगा कानून। ग्रेटा थनबर्ग ने नासा के मंगल मिशन पर साधा निशाना, कहा अमीर देश कर रहे पैसा का बर्बादी। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म 83 की रिलीज डेट सामने आई, 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी मूवी। 4.25 करोड़ में बिकने के बाद कृष्णप्पा गौतम को रोहित पांड्या ने लगाया गले, रोने लगे थे माता पिता। सिद्धार्थ और कियारा बड़े पर्दे पर मचाएंगे धमाल, 2 जुलाई को दस्तक देगा शेरशाह। इसी प्रकार देश की बड़ी और अहम खबरों पर नजर रखने के लिए आप देखते रहे एससीएन न्यूज। शुक्रिया।